Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Umair bin Abid and you are watching Umair Linguistics. आज हमारा लेक्चर है अफनोलॉजिकल अप्रोच टू सिलेबल. सिलेबल के जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं उसका ये पांचवा लेक्चर है, और ये भी आपको जहन में रखना चाहिए कि हम इंग्लिश फोनोलॉजी की बात कर रहे हैं, और बल्कि जब ओवरऑल ही हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं. तो अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बाकी लैंग्वेज ने इतनी रिसर्च नहीं की इस हवाले से जितनी इंग्लिश में हुई है, तो लिहाजा हम इंग्लिश को ही ज़्यादा फिर प्रेफरेंस देते हैं. और क्योंकि इंग्लिश फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है और हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उस हवाले से. वैसे हम कभी इंशाल्लाह बात करेंगे भी, और हम अपने दूसरे जो लेक्चर्स हैं द स्टडी ऑफ लैंग्वेज में, उसमें मैं आपको इस तरह की एग्जाम्पल्स देता भी रहता हूँ. तो यही वीडियो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. तो ये जो लेक्चर है इसमें हम कुछ चीज़ें देखने जा रहे हैं कि कौन से साउंड्स हैं जिनसे जो है वो वर्ड स्टार्ट हो सकता है, कौन से वो साउंड हैं, कौन से साउंड हैं जिनसे कोई भी वर्ड एंड हो सकता है, कौन से साउंड हैं जिनसे कोई भी वर्ड शुरू नहीं हो सकता, और वो कौन से इस तरह के साउंड हैं जिन पर कोई भी वर्ड एंड नहीं होता इंग्लिश में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इंग्लिश के बारे में बात करने जा रहे हैं. सो अ वर्ड कैन नॉट बिगिन विद, कैन बिगिन विद. इंग्लिश में जो वर्ड है वो सेंटर से, जिसे हमने वावल भी कहा था, और हमने ये बात कर चुके हैं कि हम सिलेबल में सेंटर कह लें, वावल कह लें, न्यूक्लियस कह लें, पीक कह लें, तो वो सारे वावल के ही नेम हैं. तो कोई भी वर्ड जो है वो वावल से शुरू हो सकता है, या सेंटर से शुरू हो सकता है, या फिर किसी भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो सकता है. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं. जो वावल हमारे पास साउंड है ओ, जो कि इसमें आता है, बुक में आता है, इसमें इससे बहुत कम जो है वो साउंड सॉरी वर्ड्स शुरू होते हैं. इसकी बस चंद एग्जांपल है. यह है ओम्फ, इसको डिक्शनरी में आमतौर पर इस तरह भी प्रोनाउंस किया जाता है, ओम्फ. इस तरह ओप्स, ओप्स में ये वाला भी आता है, इस तरह लॉन्ग ओ भी आ जाता है, लेकिन शॉर्ट ओ भी आता है, ये आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं. इसी तरह ओप्स डेजी. इसी तरह ये जो साउंड है, ये जो कॉन्सोनेंट है, इससे कोई भी वर्ड शुरू नहीं होता, इसमें कोई एक्सेप्शन वाली बात भी नहीं है. ये या तो आप क्या आएगा आखिर पे आएगा, जैसे मॉर्निंग में आ जाता है, सॉरी, और या फिर ये कभी कभी दरमियान में आ जाता है, सिंगिंग. ठीक है, सिंगिंग में ये दरमियान में भी आ रहा होता है, ये वाला साउंड. इसी तरह ये जो कॉन्सोनेंट है ये भी आमतौर पर दरमियान में तो आ जाता है, बल्कि आखिर में भी ये साउंड वैसे कम ही आता है. शुरू में कुछ वर्ड्स हैं सिर्फ इंग्लिश में जहाँ ये आता है, जैसे ये जॉनरा की एग्जांपल है, और ये भी शायद इस वजह से कि जो जॉनरा है ये इसका ओरिजिन जो है वो फ्रेंच है, तो फ्रेंच में कुछ वर्ड्स हैं जो इससे शुरू हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत कम है, ना होने के बराबर आप कह सकते हैं. अ वर्ड कैन नॉट एंड विद. अब कुछ साउंड इस तरह के भी हैं कि उनसे कोई भी जो वर्ड है वो ख़त्म नहीं होता उन पर. इंग्लिश का कोई भी वर्ड इस तरह का नहीं है जो इस वावल पर ख़त्म होता हो. ये वावल शुरू में तो आ सकता है या दरमियान में तो आ सकता है, जैसे बैट. और शुरू में ये जो आता है, ये जो हम बोलते हैं जिसे ए टी ई, ईट की सेकेंड फॉर्म, अब इसे हम आमतौर पर एट बोल देते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन सही एट है. तो ये शुरू में या दरमियान में ये साउंड आ सकता है इंग्लिश में, लेकिन आखिर पर नहीं आता कहीं भी. उर्दू में शायद मैं में भी ऐसे यह नहीं है, मैं. इस तरह इंग्लिश में कोई भी साउंड नहीं जिसे मैं हो, बै, इस तरह कोई भी साउंड वर्ड इस तरह ख़त्म नहीं होता इंग्लिश में, ना ही ये वाला साउंड है. ये भी दरमियान में तो आ जाता है, जैसे बैक. इसी तरह शुरू में जैसे एट में आ जाता है ये, लेकिन आखिर पर ये भी नहीं आता. इसी तरह इस पर भी, इससे भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड, इवन के इससे तो शायद शुरू भी नहीं होता, और ना ही इंग्लिश का कोई वर्ड है जो इस पे ख़त्म होता है, दरमियान में ही आ जाता है, जैसे बाट, खाट. ठीक है, इस तरह अब ये वाला जो साउंड है, इसका जो पैरेलल साउंड है वो अमेरिकन इंग्लिश में वो ओ ही यूज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस ओ से. इसमें बहुत ज़्यादा मूव गोल भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं होता. ये साउंड आमतौर पर आता है इस तरह के वर्ड में, जैसे कि गॉट. ठीक है, तो इससे भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड इस तरह का नहीं है जो इस वर्ड, इस साउंड पर ख़त्म होता हो. गौ, ये अगर आप कहें कि ये जो गौ है तो इसमें तो डिफथोंग आता है, इसमें यह साउंड नहीं आता.
अब ये अलग बात है कि हो सकता है कोई इस तरह के एक्सेंट हो, यानी कोई रीजनल डायलैक्ट हो या एक्सेंट हो, तो उनमें कुछ लोग इसे गो को इस तरह ख़त्म करते हो, अदरवाइज़ ये इस साउंड पर इंग्लिश के वर्ड जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑन सेट और कोडा पोजीशन पर मैक्सिमम और मिनिमम कॉन्सोनेंट्स कितने आ सकते हैं, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर। इसमें 38 से 40 जो हैं वो डबल की एग्जांपल है, वो हम सारा देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ आ चुका है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो लाइक कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जजाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।